हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ अच्छे से पूरे वीडियो को देखना, चाहिए तो वापस देखना, लेकिन एकदम अच्छे से आपको देखना है, कहीं पर भी घाई नहीं करना है। ओके, और हर एक कंसेप्ट आपको ये वीडियो देखने के बाद टेक्स्ट बुक से वापस रीड करना है। अभी मैं आपके टेक्स्ट बुक का डिसएडवांटेज बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई हैं। दे हैव जस्ट रिटन कि 9th स्टैंडर्ड में हमने ये किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। सो इफ़ यू हैव 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक आपके साथ है तो प्लीज़ उसको निकालिए, उससे सारे फॉर्मूलाज कीजिए, ठीक है? तो फिर बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट देन टू इस वीडियो में मैं सारे बेसिक्स कंसेप्ट आपके क्लियर करूँगी पहली बात, उसके बाद हम लोग आगे आगे एक एक टॉपिक पे मूव होंगे। तो इन शॉर्ट, इस जो पूरे चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें जो है ये मैं बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर करूँगी। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सम्स ये दोनों टॉपिक पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, सो द फर्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ में कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी कंडक्टर, हम लोग बोलते हैं ना इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? हमेशा याद रखना, कोई भी एक मटेरियल होगा, कोई भी मेटल होगा, कोई भी कंडक्टर होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों हो रहा है? जब वो इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होता है जब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट होते हैं। सबको पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट? जो भी हमारे आसपास है सब एटम से बना है। तो एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट फ्रॉम द एटम, ऑर्बिट से निकल जाता है और वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है, तब होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली। बट जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं मूव होते तब तक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होता है, ठीक है? एक प्रॉपर डायरेक्शन में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतना याद रखना कि एक मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूमते रहते हैं कभी भी, समझ में आ रहा है? कोई भी आप कंडक्टर ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, उसके अंदर वो एटम से बना है, कोई भी एक मटेरियल एटम से बना है, ठीक है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम। तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो उस मटेरियल में वो जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर होते हैं वो रैंडमली मूव होते रहते हैं, ठीक है? इमेजिन करो, ठीक है? लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो तुरंत वो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो एक डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है? तो फिर आप सबसे फर्स्ट जान लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज़ ड्यू टू द मटेरियल्स इन साइड द, यू नो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं वो सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें नहीं दी गई हैं, मे बी 9th में होगा, बट अभी ये वापस से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे आगे आगे टर्म्स पे, मैं वो क्लियर करूँगी, उसके बाद हम लोग एक 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 टॉपिक देखेंगे, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। कहीं भी आपको क्यू दिखता है तो समझ जाना कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, समझ में आ रहा है? तो क्यू मतलब वो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो SI यूनिट मतलब उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? नॉर्मली हम भाजी लेने जाते हैं तो मेजर किससे करते हैं? लीटर से मेजर करते हो क्या भाजी? किलोग्राम से मेजर करते हैं, तो वो उसका यूनिट हो गया। दूध लेने जाते हैं तो लीटर से मेजर करते हैं, हम वहां पे किलोग्राम नहीं बोलते हैं, राइट? कपड़े लेने जाते हैं तो पीसेस, कितने कितने कपड़े, काउंट। तो ऐसे सबका अलग अलग SI यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, उसका SI यूनिट इज कुलम्ब, ओके, CoULOMB, कुलम्ब, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। अब सुनो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसके वजह से हो रहा है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम्ब, ये एक इलेक्ट्रॉन का यू नो इलेक्ट्रिक चार्ज है, समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव,
हमको ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? तो नेगेटिवली चार्ज तो भी कितना चार्ज है भाई उसका, क्या है उसका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ये है, एक इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है, ठीक है, इतना याद रखो. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट ये एक्चुअली फॉर्मूला है. आई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट. कहीं पे भी आई दिखता है, एक सर्किट डायग्राम आपको बाद में बताऊंगी, वहां पे हम एरो दिखाते हैं ना कि करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो हम ऐसे सी यू आर आर ई एन टी करंट नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं बच्चों? आई लिखते हैं. समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करेंगे? आई से. गेटिंग? नाउ व्हाट इज आई? आई इज नथिंग बट, हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम. नहीं पल्ले पड़ा, समझो. देखो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी कैसे आया मैं बताती हूँ. इलेक्ट्रिक करंट हमको मेजर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है? मुझे मेजर करना है कि मैंने ये जो पेन लिया है, सपोज इट इज अ मेटल, यहाँ पर मैंने करंट पास किया, अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक चार्ज है, राइट? सब में इलेक्ट्रिक चार्ज है जिससे ये बना है एटम से. अब मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मुझे मेजर करना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है इसमें. तो मैं क्या करूंगी? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, पास्ड थ्रू दिस एरिया, थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में. समझ में आ रहा है? पर यूनिट टाइम द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब पास थ्रू दी मटेरियल, जो भी मटेरियल से तुम पास कर रहे हो, इसलिए हमने बोला है क्यू पर यूनिट टाइम. पर मतलब हमेशा याद रखना डिविजन, पर यूनिट टाइम, ठीक है? पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में. समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ ये क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज? क्यू हमने बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं. टी इज नथिंग बट योर टाइम, राइट? सो दिस इज सी अपॉन एस. हमेशा टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड्स. हम टाइम को कभी एसआई यूनिट उसका आर नहीं होता है, आर मिनट्स ये एसआई यूनिट कभी नहीं रहता है. समझ लो बातें. हमेशा किसी के भी दिमाग में आता होगा कि हम हमेशा टाइम को सेकेंड्स में क्यों मेजर करते हैं. हर चीज का एक तरीका होता है, एक एसआई यूनिट होता है, ठीक है? तो हर चीज को उस एसआई यूनिट से मेजर किया जाता है. बाद में तुमको कन्वर्ट करना है कर लो, नो प्रॉब्लम. ये सेकेंड को तुम आवर्स में कन्वर्ट करो, मिनट्स में कन्वर्ट करो, चलेगा. लेकिन जब यहाँ पे हम करंट मेजर कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम लेंगे, ठीक है? तो पर यूनिट टाइम सेकेंड्स. तो इसका क्या आएगा? इसका एक्चुअल ये दिस इज नथिंग बट आई को हम मेजर करते हैं एम्पियर से. ये जो है ना सी बाय एस, दैट इज एम्पियर इज नथिंग बट कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है? तो हमेशा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे एम्पियर. ये क्या है? ये मतलब एक मेजरिंग यूनिट है. समझ में आ रहा है? इसका एसआई यूनिट हो गया एम्पियर. किसका एसआई यूनिट है अभी ये? इलेक्ट्रिक करंट का. मतलब कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स में आता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द पर्टिकुलर कंडक्टर हैविंग दिस दिस चार्ज, ओके, टाइम दे दिया है, तो तुम कैलकुलेट तो कर लेते हो लेकिन तुमको यूनिट समझ में नहीं आता कि मैं यूनिट क्या डालूं. तो इसीलिए हर चीज का एसआई यूनिट याद रखो. जब करंट मेजर आप कैलकुलेट करोगे तो आप लास्ट में एम्पियर डालोगे, ए लिख सकते हो, ठीक है? ए करंट को मेजर करने का. समझ में आया? सो नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे ही वर्ड आता है आपको क्या आना चाहिए? क्यू. दिमाग में क्यू आना चाहिए, ठीक है? तो क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं मेजर कैसे करूंगी? कूलम में, एसआई यूनिट. कहीं पर भी क्यू का आंसर निकालना हो तो उसका एसआई यूनिट आप क्या लिखोगे? कूलम, दैट इज कैपिटल सी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट आई है. आई मेजर किससे किया जाता है? एम्पियर में, ठीक है? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. दिस इज अ फॉर्मूला स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना. आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. जितने जितने फॉर्मूलाज आते जाएंगे, कोई भी छोटा मोटा भी फॉर्मूला हो वो आप स्क्वायर करते जाना, डब्बे में डालते जाना, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो एसआई यूनिट ऑफ करंट विल बी एम्पियर. नाउ ये मेजर कैसे करते हैं हम लोग, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट? कभी सर्किट में देखा होगा आपने, हमेशा हम लोग जो भी सर्किट बनाते हैं, शायद 11th 12th में ऑप्ट करोगे साइंस तो उसमें आता है फिजिक्स का प्रैक्टिकल्स, और अभी भी आपका एक डायग्राम दिया हुआ है सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो उसमें एक ए करके सर्किल है, दैट इज कॉल्ड एमीटर, ठीक है? एमीटर. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट? विच इज द इंस्ट्रूमेंट? द इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर, ठीक है?
AMMETER. ओके डन. क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज वन एम्पियर स्टूडेंट्स, वन एम्पियर क्या है, अभी देखो सी बाय एस इज एम्पियर, इतना पता है यूनिट में. यूनिट चार्ज का यूनिट क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज का सी, दैट इज कूलम. टाइम का था सेकेंड्स, बराबर. तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, एम्पियर. ठीक है, तो मुझे अगर वन एम्पियर करंट चाहिए तो मेरे को कितना ये सब अमाउंट रहना चाहिए, कितना क्वांटिटी रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम. क्या मुझे वन एम्पियर चाहिए, वन ए, तो मेरे को कितना चार्ज लगेगा और कितना टाइम लगेगा. ऑब्वियसली वन वन ना, मतलब मुझे ये आय जो है ये वन चाहिए, तो इधर जब वन बाय वन रहेगा तभी तो ये वन आएगा ना. तो वन एम्पियर इज व्हेन वन कूलम्ब इज ट्रांसफर्ड और पास्ड इन वन सेकेंड. ठीक है, वन कूलम्ब पर यूनिट टाइम, या तो वन कूलम्ब इन वन सेकेंड. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, वन कूलम्ब पर सेकेंड. पर सेकेंड मतलब वन ही होता है, समझ में आ रहा है. वन कूलम्ब पर सेकेंड लिख सकते हो, या तो वन कूलम्ब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज शुड बी वन कूलम्ब पास्ड इन वन सेकेंड. ठीक है, देन आई विल गेट द इलेक्ट्रिक करंट एज वन एम्पियर. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, यू माइट हैव हर्ड. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स. फिसल गुंडी खेला है सबने, स्लाइड. मुझे बताओ उस स्लाइड में तुमको नीचे से ऊपर जाना इजी लगता है या ऊपर से खिसक के नीचे आना इजी लगता है. ऑब्वियसली बोलोगे मैम आप क्या बोल रहे हो, फिसल गुंडी की बात करो तो ऊपर से नीचे ही आता है ना. नहीं, ऐसा कभी देखा है क्या भाई, ऐसा फिसल गुंडी के नीचे से चढ़ चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं होता उसको, उसको स्लाइड नहीं बोलते. तो हमेशा हम क्या करते हैं, पहले चढ़ते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते हैं, थोड़ा तकलीफ लेते हैं और फिर आराम से. तो कौन सा इजी है स्टूडेंट्स, नीचे से ऊपर जाना इजी है या ऊपर से नीचे जाना इजी है. ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आ जाना इजी है, नीचे से ऊपर जाने में थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा मेहनत करना लगता है, राइट. सेम वे, सेम वे, व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स द करंट फ्लोज इजीली. मतलब अभी सपोज दो टैंक ले लो, ठीक है, दो टैंक ले लिया तुमने, पानी भर दिया दोनों टैंक में, एक में ज्यादा पानी है एक में कम पानी है, तो पानी कैसे फ्लो होगा, मुझे पानी ट्रांसफर करना है, दोनों में पानी ट्रांसफर करना है एक दूसरे में, तो एक में ज्यादा है एक में कम है, तो पानी किससे इजीली ट्रांसफर हो सकता है. ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा पानी है मैंने उसमें पाइप लगाया तो वो इजीली नीचे आ जाएगा, लेकिन जो कम है उसको मुझे वैक्यूम जैसा खींचना पड़ेगा पंप लगा के, तब तो आएगा ना दूसरे में, राइट. तो सेम वे इवन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज दे रिक्वायर सम डिफरेंस, सम पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन डीलिंग विद इलेक्ट्रिक करंट इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. द डिफरेंस है ना, तो एक प्रेशर बनना चाहिए, अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव होना स्टार्ट नहीं होंगे, जब तक उन पे कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं आता है तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट नहीं होते. मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए. मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब सपोज ये ऑब्जेक्ट है अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं रैंडमली, तो मैं क्या बोलूंगी इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो फिर तो मेरे को शॉक लग गया होता, राइट. तो ऐसी हर मेटल में, मेटल बोलते हैं मेटल में इट इज अ गुड कंडक्टर, ऐसा ही कह रहे. कोई भी जो स्टील रॉड है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होते रहता है, तुम छोगे तो तुमको शॉक लगेगा, ऐसा नहीं है ना, लेकिन वो मेटल है, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन जब तक हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना देते वो मेटल में, तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसको एक इलेक्ट्रिक प्रेशर मिलना चाहिए, भाई तेरे को ये साइड मूव होना है, मूव हो जा, समझ में आ रहा है. अब एक गर्दी में लोगों को कुछ पता नहीं है किधर जाना है, ठीक है, एक क्राउड में मैं खो गई हूँ, मुझे पता नहीं है कौन से डायरेक्शन से मैं बाहर निकलूंगी इस भूलभुलैया में से, मुझे स्टेशन जाना है सपोज रेलवे स्टेशन, और मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ, तो मैं तो घूमती रहूँगी ना अंदर, जब तक मैं किसी को पूछूंगी नहीं या कोई मुझे बताएगा नहीं, कोई मुझे गाइड नहीं करेगा. अभी तो गूगल मैप्स आ चुका है तो मेरे को गाइडेंस तो लगेगा ना किसी ना किसी का, तो उधर से निकलने के लिए. तो सेम वे इलेक्ट्रॉन्स को भी गाइडेंस चाहिए कि हम कौन से पाथ से जाएं, हम कौन से डायरेक्शन में मूव हो जाएं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा.
समझ में आ रहा है? जब मुझे पता लगेगा कि भाई इधर से आगे से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, फिर तू पहुंच जाएगी तेरे डेस्टिनेशन पे, तो मैं वैसे जाऊंगी ना, वरना तो मैं घूमती रहूंगी. और जब वहां पहुंचूंगी तब तो मेरा वर्क डन हो जाएगा ना कि चल ठीक है मेरे को जहां पहुंचना था मैं पहुंच गई. सेम वे इलेक्ट्रॉन्स का भी वही है, जब तक एक इलेक्ट्रिक प्रेशर अंदर नहीं बनता है कंडक्टर में तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते हैं. ठीक है, एक डायरेक्शन, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. तो वो इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन बनाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम डिनोट करते हैं वी से. ओके, अब इसको मेजर करने का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट वोल्ट. समझ में आ रहा है? वोल्ट पता है, हमेशा सुना है कितने वोल्टेज का है, तो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और फिर वो बल्ब जलता है या कोई भी जो चीज हमको जलाना है इलेक्ट्रिक करंट से वो जलता है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी सुनो स्टूडेंट्स, एक और बात, पोटेंशियल डिफरेंस आपने समझ लिया, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? V इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करेंगे. हमको कैसे पता चलेगा भाई हुआ है इतना पोटेंशियल डिफरेंस या इतना वोल्टेज का डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है? मतलब इट विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, मतलब वर्क डन अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज, पर इलेक्ट्रिक चार्ज. अभी मैं इसको आपको डेफिनेशन इसका ये देख लेना, एसआई यूनिट इज वोल्ट. जैसे इसका एसआई यूनिट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट इज एम्पियर, तो इसका इज वोल्ट. मतलब कहीं पे भी आपको बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस तो आप एक जो कैलकुलेट करोगे एक नंबर आएगा, तो यूनिट क्या लिखोगे? वोल्ट. ठीक है, इसका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन रहेगा? इसको मेजर करने वाला वोल्ट मीटर. ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स ना भाई, हमको मेरे को इधर से रेलवे स्टेशन जाना है, आई डोंट नो द पाथ, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड, सो यू गाइड मी कैसे जाना है मुझे. तो मैं क्या क्रिएट करूंगी? इलेक्ट्रिक प्रेशर, मतलब मेरे को गाइड मिला, गाइडेंस मिला अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, देन दे विल मूव अकॉर्डिंग टू दर पाथ. तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, इज वर्क डन टू मूव द इलेक्ट्रिक चार्ज. क्यों, क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, राइट? इज द वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, समझ में आया? स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है. हम लोग बचपन में पढ़ते थे वर्क डन, वर्क याद है? वर्क का एसआई यूनिट क्या है? हमेशा याद रखो, जूल है, जूल. और क्यू का एसआई यूनिट क्या है? क्यू का एसआई यूनिट कूलम. ये सब आपको याद रहना चाहिए. तो बताओ, तो अभी वी का क्या रहेगा? ये जो है मेजरमेंट जूल पर सेकेंड. समझ में आया? ये नाउ कैन एनी वन टेल मी वॉट इज वन वोल्ट? नाउ वन वोल्ट कब रहेगा स्टूडेंट्स? जैसे मैंने यहां पूछा था वन एम्पियर कब रहेगा? वॉट इज वन एम्पियर? वन एम्पियर इज वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज क्यू, है ना? वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वन सेकेंड. ठीक है, तो वॉट इज वन वोल्ट? नाउ 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. समझ में आया? 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव, कितने को मूव करना है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज ना, जो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक चार्ज है, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. ठीक है, इजी, अभी तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अ डायग्राम इज गिवन इन योर पेज नंबर 48. ओके, दैट डायग्राम इज इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है वो. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो जो अभी पढ़ा हम कैसे कहाँ यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ इज कंसिडर्ड एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, अगर आप वायर्स ले लोगे कुछ और कनेक्ट कर लोगे एक बल्ब, अब यहाँ जो है ये जिगजैग क्या है पता है आपको? रेजिस्टर देखा होगा कभी प्रैक्टिकल लैब में आपने, छोटा सा ऐसे लंबा रहता है, तार रहते हैं दो और बीच में
क्रीम कलर का होता है और अंदर ऐसे ऐसे होता है उसका स्प्रिंग टाइप्स, तो वो रेजिस्टर होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये रेजिस्टर लगाया, इसके जगह पे हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके इसमें रेजिस्टर दिया इसलिए मैंने बना दिया, यहाँ मैं एक बल्ब भी लगा सकती हूँ। तो अगर मैंने कुछ वायर्स ले लिए, एक बल्ब जोड़ दिया, एक स्विच जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया और मैंने स्टार्ट किया, स्विच होता है ना, स्विच पता है घर पे भी हम स्विचेस होते हैं बटन्स, तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस, बीच में कुछ काट कुट नहीं रहना चाहिए, एक कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए एंड दैट पार्ट शुड बी क्लोज्ड, तभी वो इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का आप डेफिनेशन कहीं पूछेगा नहीं, बट आपके जानकारी के लिए इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ अभी इधर है क्या स्टूडेंट्स, ये डब्बा तो मैंने बना दिया, अब सुनो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बैटरी, ओके, सेल या तो बैटरी, ओके, ये तो बैटरी, इसको जब बहुत सारे सेल्स मिलके हम करते हैं तो उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स बोलो बैटरी बोलो चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे स्विच, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टर, दिस इज अ स्विच, ओके। नाउ दिस इज अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम क्या था स्टूडेंट्स, याद है किसी को, वोल्ट मीटर का काम क्या था, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस, याद है, वी वी वोल्ट किसका यूनिट था, पोटेंशियल डिफरेंस का। एमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो इतना हो गया, अब सुनो मेरी बात, अभी इस पे हमको चेक करना है एक्चुअली कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। ये वोल्ट मीटर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगाया है। अब दो पॉइंट्स ए और बी आपको दे दिया गया है। मैंने जैसे कि बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, एक डिफरेंस चाहिए, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, यस। तो जैसे पानी को फ्लो होने के लिए जिसमें ज्यादा पानी है वो आराम से निकल जाएगा छोटे तक, जिसमें कम पानी है, अब जिसमें कम पानी है उसको डिफिकल्टी है मुझे खींचने में, तो सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा दो पॉइंट्स में तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा मतलब एक पॉइंट एक हायर पोटेंशियल पे होगा और एक छोटा जो कम पोटेंशियल पे होगा, तो ए और बी में से ए हायर पोटेंशियल पे है, क्यों, क्योंकि ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, ठीक है, इसीलिए ए हायर पे है और बी लोअर पे है क्योंकि दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का होता है, डन। उसके बाद जो फ्लो होगा इसमें से हम उसको किससे डिनोट करेंगे, I से, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, I का सिंबल याद है सबको, I इज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद ये स्विच है जो कि अलाउ करता है, हम लोग घर का स्विच ऑन करते हैं तो फैन चालू होता है, स्विच जैसे ही चालू किया तो एक कंटिन्यूस पाथ मिलता है करंट को और वो फ्लो होता है एंड जो भी जलना होगा जो भी चालू करना होगा वो चालू होता है, तो वो स्विच है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर, जैसे कि मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मुझे किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक मैं इलेक्ट्रिसिटी को भेजना चाहती हूँ उस पॉइंट पे मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगी। तो ये वोल्ट मीटर यहाँ से कनेक्ट किया, देखो ए और बी से, तो इसीलिए उसको पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल, हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है ताकि वो दो पॉइंट का हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके कि उतना वोल्टेज रहेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वरना नहीं होगा। समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, देखो आपके लैब्स में होगा कभी अगर खुलता है आपके बोर्ड एग्जाम के पहले तो प्रैक्टिकल्स करने मिलेगा। एमीटर हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे एमीटर लगाए हुए हैं, डन। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स, आपने किसी ने भी दिमाग में आया कि हमारा फ्लो ऑफ करंट ऐसा क्यों है, यहाँ से क्यों है उल्टा क्यों नहीं है, कैसे भी फ्लो हो सकता है क्या करंट, कैसे भी फ्लो हो सकता है क्या, नहीं। अभी मैं आपको एक क्लियर कट थ्योरी बताती हूँ इसके पीछे। पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, बट ऐसा नहीं है। जब ये डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट जब डिस्कवर हुआ था ना, तब उनको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। उन्होंने क्या कंसिडर किया कि पॉजिटिव चार्ज अगर सर्किट में है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास रहता है, प्रोटॉन्स के पास, तो प्रोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। मतलब प्रोटॉन्स कैसे फ्लो होंगे, आप सोचो, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, यस स्टूडेंट्स। अगर सपोज ये एरो, मतलब अगर मैं प्रोटॉन्स को इस डायरेक्शन में आने बोलती,
मेरे को अगर किसी ने गाइड किया भाई स्टेशन तू जा आगे से राइट ले, लेकिन एक्चुअली लेना किधर था मुझे, लेफ्ट, तो मैं क्या जाऊंगी क्या उधर, चल जाके आ जाऊंगी ना वापस, मैं मुझे पता नहीं है, उसने मुझे बोला राइट जा, एक बंदे ने बोला राइट जाओ स्टेशन के लिए, मैं जाऊंगी, लेकिन मैंने देखा वहां स्टेशन नहीं है तो मैं नहीं आ जाऊंगी ना, मतलब मैंने क्या किया, रिपेल किया ना वहां से, रिपेल मैं आ गई वापस। सेम वे अगर मैंने प्रोटॉन्स को भेजा यहाँ पे, इधर तो पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी और वो खुद पॉजिटिव चार्ज है, वी नो दैट लाइक चार्ज इज ऑलवेज रिपेल, तो वो क्या करेगा, पास होगा क्या आगे प्रोटॉन, वो भाग जाएगा वापस पीछे, इसीलिए ये डायरेक्शन ऐसा है। तो अब आ किधर रहा है, नेगेटिव के पास, तो नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, तो ये नेगेटिव साइड बैटरी में आराम से निकलेगा, इसलिए हम लोग कहीं पे भी घड़ी में या कोई भी गेम में देखो बैटरी डालता है तो दो टर्मिनल्स होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वो बैटरी का, क्योंकि वो स्पेसिफाई किया जाता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में डालेंगे तभी वो प्रॉपर फ्लो होगा, नहीं तो फिर गलती से हम लोग उल्टा बैटरी डालते तो देखो चलता नहीं है, कैसे चलेगा, वो रिपेल होके वो फ्लो ही नहीं होगा ना। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर सारे प्रोटॉन्स पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं और इधर नेगेटिव है करके उसने अलाउ किया, ठीक है तो पॉजिटिव है मैं नेगेटिव हूँ, मैं तुझे अट्रैक्ट कर रही हूँ, और अगर मैंने डायरेक्शन ऐसे डाल दिया इस तरफ से, अगर मैंने अलाउ किया आने को, तो इधर तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव अगर ऐसा है तो रिपेल ही होगा, तो कोई भी मुझे ये जलाना है, इधर बल्ब जलाना है तो पास ही नहीं होगा, तो ये बल्ब जलेगा कैसे, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव, फ्रॉम द पॉजिटिव स्टार्ट होता है हमेशा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स के साथ उन्होंने डिस्कवर किया था कि प्रोटॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो प्रोटॉन्स कभी पॉजिटिव की तरफ नहीं आएगा, वो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, रिपेल होगा पॉजिटिव के बैटरी से, रिपेल हो जाएगा वो नेगेटिव साइड में, वो अंदर जाएगा, गेट खुला उसको नेगेटिव साइड से ही है। तो ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ये स्विच है, स्विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, स्विच अगर मैंने बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, उधर बैरियर आ जाएगा और आगे पास नहीं होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर विद दिस, इस वीडियो में हम लोग ने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक डेरिवेशन, हीट जनरेट होता है जब भी एक कंडक्टर में हम पास करते हैं ना करंट, तो वो वाइब्रेशन से अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है और हीट जनरेट होता है, तो उस हीट को हम डिराइव कैसे करेंगे, उसका डेरिवेशन है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे हमको भर भर के फॉर्मूलाज मिलेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे, ओके, एंड देन ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका एंड होगा, उसके बाद नया सेक्शन स्टार्ट होगा, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड the most important part of this chapter. So do watch this video properly students. अगर नहीं है तो पीछे जाओ वापस समझो, ये सारे concepts मैं वापस नहीं बताऊंगी, मुझे फटाफट अगर मैंने पूछा potential difference का SI unit क्या है, उसका units क्या है, formula क्या है, तो सब कुछ you should be ready. So do watch this video again and again if you want and clear all your concepts. Okay?